नेहा क्योंकि आप सब इसको महसूस करते हैं आपने लिखा और लिखने से क्या हुआ है कि लोगों तक वो पहुंचा है आपने क्या चेंजेस क्या परिवर्तन महसूस किए अपनी लेखनी के बाद अपनी जिंदगी में अपने सोसाइटी में लोगों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आपने अपनी लेखनी के बाद महसूस किए ये कहना तो मुश्किल होगा कि सोसाइटी में कैसा परिवर्तन बट ये जरूर कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने हमारी किताबें पढ़ी हैं और जब वो हमें रीच आउट करते हैं तो एक अवेयरनेस महसूस होती है कि उन लोगों में एक अवेयरनेस आती है कि अच्छा यू नो कोई जैसे मेरी पहली किताब है विजयंता कारगिल एक 22 साल के मार्टर थे वो बस 22 साल के 22 साल की उम्र क्या होती है 22 साल की उम्र में यहाँ यहाँ बैठे इतने लोगों को पता भी नहीं होगा 22 साल में कि वो करना क्या चाहते हैं उस उम्र में किसी ने अपनी जान भी दे दी तो एक अवेयरनेस आती है उन लोगों में कि कैसे हमें समझना है कि हमारी ज़िंदगी का क्या अर्थ हो सकता है और हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या क्या कर सकते हैं तो वो अवेयरनेस देख के अच्छा लगता है ज़रूरी नहीं है कि और हम ये हमेशा बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप फौज को ही ज्वाइन करें कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बड़ा करने के लिए लेकिन कहने का मतलब बस ये है कि आप जो भी करें आप अपनी ईमानदारी से करें मतलब आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभा लें बस उतना ही बहुत है एक फौजी के लिए तो और एक और चीज़ जिसका ये एग्जाम्पल दे रही है बीस साल ये दो जो आपको दिख रही होंगी ये ऐसा लग रहा है कि बहुत कम उम्र में शायद आप इतना समझने लग गए इतना जान गए इतने अपनी उम्र से मुझे लगता है जो मेचोरिटी आपने महसूस की शायद इन्हीं परिस्थितियों की वजह से नेहा हाँ, हाँ हम बड़े तो जल्दी हो जाते हैं ये बात ज़रूर है आ, ओवरनाइट नाइट लगता है कि कुछ कुछ साल ऐड हो गए आज भी मैं कभी किसी की आ, किसी की शहादत पे अगर इंटरव्यू वगैरह देख रही होती हूँ बच्चों का तो मुझे अपने टाइम पे याद आता है कि मैं 12 साल की थी और मेरी मम्मी थोड़ा शाये हैं कैमरा को लेके अभी भी वैसे पीछे पीछे रह रही हैं तो आ, वो उनके सामने ना कोई माइक लेके जाता था वो बोल नहीं पाती थी तो मुझे उस समय में भी उस उम्र में फ़ील होता था कि मुझे तो बोलना मुझे बोलना होगा Uh, है ना क्योंकि मैं मैं ये नहीं चाहती कि लोग सोचें कि हम बोल नहीं सकते क्यों आई मेरे दिमाग में ये थाट आने का ज़रूरत तो नहीं था लेकिन आता था ये लगता था कि अब हमें वी हैव टू लिव अप टू द नेम ऑफ़ यू नो आर फ़ादर थोड़ा प्रेशर भी फील होता है क्योंकि लोग सोचते हुए ये ना बहादुर बाप की बहादुर बेटी वाली चीज़ बहुत होती है बट वी अंडरस्टैंड आई मीन आई होप सब लोगों को ये बात समझ में कि हमारी भी एक जर्नी है वैसे ही आई डोंट थिंक हम, हम लोग सेम तराजू में सबको सोचते हैं आई रियलाइज़ कि सबकी एक जर्नी है बट आई थिंक हमारी कहानियाँ पढ़ के उनको अपनी जर्नी की थोड़ी और सिग्निफिकेंट समझ में आती होगी oh.